नमस्कार, मैं संतोष साकला, हिंदी विषय की अध्यापिका दिव्य ज्योत विद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ समय पहले एक परीक्षा समाप्त हुई है और अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। कभी कभी पूरा उत्तर लिखने के बाद भी बच्चों को लगता है कि उनके अंक कम आए हैं। इसका कारण है सामान्य अशुद्धियाँ जो बच्चे उच्चारण करते समय तथा लिखते समय करते हैं। आज मैं आपको इस कार्यशाला के माध्यम से इन अशुद्धियों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये शुरू करते हैं अपनी कार्यशाला सामान्य अशुद्धियाँ। जो प्राय उच्चारण करते समय तथा लिखते समय की जाती है, इन अशुद्धियों का ध्यान रखकर हम अपने भाषा कौशल का विकास कर सकते हैं। वैसे तो बच्चे हिंदी में कई प्रकार की अशुद्धियां लिखते हैं और हिंदी भाषा में अशुद्धियों के कई रूप हैं, किंतु आज मैं आपको उन चार अशुद्धियों के बारे में बता रही हूँ जो अधिकतर बच्चे करते हैं। स्वर संबंधी अशुद्धियां, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां और कारक संबंधी अशुद्धियां। स्वर संबंधी अशुद्धियों में बच्चे मात्राएं अलग गलत लिखते हैं, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक कोई शब्द नहीं होता, अत्यधिक होता है। वापस, वापस कोई शब्द नहीं होता, वापस होता है। गौरव, गौरव कोई शब्द नहीं होता, गौरव होता है। रुपया में छोटे उ की मात्रा आती है और दुख लिखते समय विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से व्यंजन संबंधी अशुद्धियां अधिकतर बोलते हैं सुनके, सुनके किसी प्रकार का शब्द नहीं होता, सुनकर होता है। और पिछले परीक्षा में मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, बच्चों ने लिखा था दिव्य ज्योत विद्यालय अहमदाबाद, तो इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां पाई गई थी। तो ज्योत नहीं होता, ज्योत होता है। विद्यालय नहीं होता, विद्यालय होता है। अहमदाबाद को हिंदी में अहमदाबाद लिखा जाता है और बतक को बतक कहा जाता है। वचन संबंधी अशुद्धियां, अभी 3 बजा है, ये गलत है, अभी 3 बजे है, यह इसका शुद्ध रूप है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है, यह मेरे ही हस्ताक्षर है। उसकी आंख में आंसू बह रहा था, इसका शुद्ध रूप है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कारक संबंधी अशुद्धियां, 5 बजने को 10 मिनट है, इसका शुद्ध रूप है, 5 बजने में 10 मिनट है। वह बाजार में सब्जी लाने गया, इसका शुद्ध रूप है, वह बाजार से सब्जी लाने गया। मेरे को पुस्तक चाहिए, जो अधिकतर बोलते हैं, मेरे को कोई सर्वनाम नहीं होता है, मुझको पुस्तक चाहिए। कुछ अन्य विशेष बिंदुओं की मैं चर्चा करना चाहूंगी, जैसे और तथा और। और शब्द दिशा को बताता है, जबकि और शब्द का प्रयोग तथा के अर्थ में होता है। और, मैं इसी ओर आ रहा हूँ, ये दिशा को बता रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है, लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और राम और श्याम भाई है, दोनों चिड़िया आती थी और उड़ जाती थी। कुछ घरों में रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। यह का प्रयोग एक वचन निकटतम संज्ञा शब्दों के लिए होता है, जबकि ये का प्रयोग बहुवचन निकटतम संज्ञा शब्दों के लिए होता है। वह का प्रयोग एक वचन दूरस्थ संज्ञा शब्दों के लिए होता है, जबकि वे का प्रयोग बहुवचन दूरस्थ संज्ञा शब्दों के लिए होता है। कुछ बच्चे हिंदी भाषा के बीच में गुजराती वर्णों तथा शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी भाषा अशुद्ध हो जाती है। तो हिंदी भाषा के मध्य गुजराती वर्णों तथा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिंदी भाषा में मेरे को, तेरे को जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, मुझे, मुझको, तुम्हें, तुमको का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण करते समय और लिखते समय ड, ड, ध, ट, ही, ई जैसे शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे इटली एक देश है, जबकि इडली एक खाद्य पदार्थ है। पढ़ा शब्द मजबूरी को बताता है, जबकि पढ़ा का प्रयोग अध्ययन के लिए होता है।
नहीं का अर्थ नकारात्मक होता है जबकि नई का अर्थ नवीन होता है। आशा करती हूँ आज की ये कार्यशाला आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। करत करत अभ्यास के जड़मति को सिद्धांत आप अपने दैनिक जीवन में शुद्ध शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। यदि आपका उच्चारण शुद्ध होगा तो इसका प्रभाव आपके लेखन पर भी पड़ेगा और इसका परिणाम आपको आगामी परीक्षाओं में अवश्य देखने को मिलेगा। धन्यवाद।